हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट लड्डू यानी मूंगफली के लड्डू। इसे आप एनर्जी लड्डू बोल सकते हैं आप, और इसे हाई न्यूट्रिशियस लड्डू भी बोल सकते हैं, जो कि बनेगा सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से, जिसमें कि तीसरा जो है वो ऑप्शनल है। आपको पहले करना क्या है, बादाम को रोस्ट करना है। अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली है तो आपको सिर्फ 2 मिनट में ये लड्डू मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आपको इस तरह से रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद उसको ठंडा करके उसके छिलके इस तरीके से निकालने हैं, और छिलके निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं बता रही हूँ। इसको एक किसी किचन टॉवल या किसी एक साफ टॉवल पे रखें, इसको ऐसे फोल्ड कर दें, और उस फोल्ड करने के बाद आपको हल्के हल्के हाथों से इसे मसलना है, जिससे इसके छिलके निकल जाएंगे। और छिलके निकलने के बाद आपको एक जालीदार छलनी या कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। मैंने ये बास्केट लिया है, जालीदार बास्केट, और इससे मैंने इसको छन दिया है, चाल दिया है, जिससे इसके छिलके नीचे अलग हो गए, ये देखिए। और आपके पास मूंगफली के दाने इस तरह से बच जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत इजी तरीका है मूंगफली के छिलके निकालने का। आप इस तरह से ट्राई करें। अगर आपके पास मूंगफली रोस्टेड है तो आप सीधे सीधा नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ये छिलके निकालने के बाद आपको करना क्या है, एक मिक्सर जार में मूंगफली डालनी है, और ये फ्रेश कोकोनट ग्रेटेड है। और आपको ये मैं दिखाती हूँ मिक्सी कैसे क्या करना है इसमें। इधर एक व्हिप का सिंबल है और इधर एक जूसिंग का सिंबल है, तो आपको लेफ्ट साइड में व्हिप में चलाना है, जूसिंग में अभी नहीं चलाना है। कोकोनट और बादाम मूंगफली को आपको 3 to 4 साइकल्स में व्हिप करना है, और उसके बाद आपको इस तरह का ग्रैनुलर मिलेगा आपका, आपको कोकोनट। ये उसके बाद क्या करना है, आप देखिए किस तरह से आपका जो ये मिक्सचर है वो बंधने लगा है। तो अब इसमें आप क्या करें, जो गुड़ हमने रखा था वो गुड़ डाल दें इसमें, और गुड़ डालने के बाद इसको अब जूसिंग की तरफ चलाना है 2 स्पिन, और आप चेक करें कि देखिए इस तरह से लड्डू बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसमें खास बात यही होती है कि आपको व्हिप की तरफ चलाना पड़ता है, जूसिंग की तरफ नहीं। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके भी लड्डू इतने अच्छे बनेंगे, और ये लड्डू सबको पसंद आती है, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। एक बार आप ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।